वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सिंध में बारिशों से 101 कीमती जानों का ज़िया हुआ। सबसे ज्यादा 63 अफराद कराची में जाँ महक हुए। मुश्किलात से निकलने के लिए विपाक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कराची में इस वक्त 802 अरब के मंसूबे जारी हैं। वजीर आजम बुलाएंगे तो जरूर जाऊंगा। इस मामले पर कोई सियासत नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो सिंध हुकूमत मुकम्मल तआवुन करेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यकीन दहानी भी करवा दी। इत्तेजाज का हक हर एक को है। एज लॉन्ग एज आप कानून को अपने हाथ में ना लें और ये FIRs करती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है कंप्लेन के ऊपर। कंप्लेनेंट अगर आप हैं और आप कहते हैं कि जी मुराद अली शाह ने मेरे साथ ये किया है, तो पुलिस का ये फ़र्ज है कि आपकी कंप्लेंट सुने। उसका ये मतलब नहीं है कि मुराद अली शाह मुजरिम हो गया। तो एक कंप्लेंट आई और अगर कोई इदारा कंप्लेंट करता है तो उसकी फिर उस वजह से FIR दाखिल होगी। बाकी जो उसकी होगी इन्वेस्टिगेशन वो बिल्कुल इम्पार्शियल होगी। अगर कहीं कोई ऐसा कानून किसी ने हाथ में लिया होगा तो उसी की पूछ-कूछ होगी, अदरवाइज